एक्सप्रेस वे पर आज ही हम फैजाबाद से, फैजाबाद का पुल नजर आ रहा होगा आपको, हम अपना सफर जारी रखेंगे। आज आपको एक्सप्रेस वे की सैर कराते हैं, आप मेरे साथ रहिए। अगर यूट्यूब हमसे शिकवा करता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो यार सब्सक्राइब, ज़्यादा थोड़ी है, एक बटन दबता है बस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे। बड़ी परेशानी में था, अल्लाह के बताओ कर। चलो तो आज आपको एक्सप्रेस वे की सैर कराते हैं। कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कहीं से भी लेंगे, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। एक्सप्रेस वे और यहाँ से कहते हैं कि एंट्री होती है इस्लामाबाद की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये नाके बनाए गए हैं। ये नाके बताते हैं हमें कि तुम आज़ाद नहीं हो, हम आपको जहाँ चाहें रोक सकते हैं, आप अपने मुल्क में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। होना तो चाहिए कि अगर आपको कुछ शकूक हैं तो इंटेलिजेंस आप अपनी बेहतर करें। दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस सर्विस तो हमारे पास है। तो ज़्यादातर जो मैंने तो पूरी दुनिया में कहीं भी ये नाके नहीं देखे, जब अपने मुल्क में देख रहा हूँ और मुझे मेरे हुक्मरान बताते हैं कि आप आज़ाद नहीं हैं, आपको कहीं भी रोका जा सकता है, आपकी गाड़ी को कहीं भी बंद किया जा सकता है। खैर जनाब, ये शिकवे शिकायतें तो चलते रहेंगे। आप देखिए ये खूबसूरत खूबसूरत इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, इसके दोनों साइडों पे, जो एक्सट्रीम साइड्स हैं इसकी, दोनों पे पार्क है। कि मेरे साथ जो है ये चनार पार्क है, यहाँ पर ये चनार पार्क कहलाता है, बहुत खूबसूरत पार्क है I-8 में। और ये हमारा एक्सप्रेस वे, इधर से जाते हैं तो जंगल ट्रैक आता है और अभी हम सीधे ही अपना सफ़र का जारी रखेंगे, सफ़र को जारी रखेंगे। लोग दफातर की तरफ रमा दमा हैं, हल्की हल्की धुंध हो रही है, धूप भी निकली हुई है लेकिन धुंध का कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। मेरे लेफ्ट साइड पे भी पार्क होता है, पार्क है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की। यही ब्यूटी है कि दोनों तरफ आपको एक्सट्रीम साइड्स पे पार्क नज़र आएंगे। वो भी अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे तो वो भी दूसरी तरफ पार्क होगा एक्सप्रेस वे। हम शायद कश्मीर हाईवे की तरफ जाएं, ये हमारे ड्राइवर को पता है, या आगे से सितारा मार्केट की तरफ लेंगे। यह है ब्यूटी इस्लामाबाद की, जंगल पार्क्स। कश्मीर हाईवे से लेंगे और मरी की तरफ रुख करेंगे। कश्मीर हाईवे जिसे अब श्रीनगर हाईवे कहते हैं, पता नहीं कश्मीर हाईवे दोबारा रख दिया शायद। ये भी भारत से आज़ाद कराने के लिए हमने
श्रीनगर हाईवे इसका नाम रखा था। ये हमारे सामने जरे तरफ क्या थी बैंक है जिसे ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, ये ज़ीरो पॉइंट है और यहाँ से हमने एग्जिट लिया। शायद आप लोगों को नहीं पता कि ज़ीरो पॉइंट की क्या हैसियत थी, यहाँ से ही डिस्टेंस को नापा जाता था इस्लामाबाद का कि ज़ीरो पॉइंट से इतनी दूर है, ज़ीरो पॉइंट से इतनी दूर, मिडिल ऑफ द इस्लामाबाद है। और आज भी सामने आप अगर पहले देखेंगे मोनूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कश्मीर हाईवे पे दाखिल होते जी, मोनूमेंट हाजी परवेज मुशर्रफ साहब ने घुमाया था और उसके साथ ही जो है ये हमारे पास जंगल है। कभी यहाँ पर सिंगल रोड ही होता था और हम जो शक्करपीड़ियाँ हैं यहीं पर हमें बस रोकती थी और हम यहीं से ऊपर चढ़ जाते थे कभी पत्थरों पे और कभी कभी एक रास्ता भी बना दिया गया था यहाँ से। फिर वही रुकावटें जिस पे मैं बड़ा तपता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के सारे ड्राइवर तपते हैं अगर इनको रोक लिया जाए। ये देखो गरीब को रोका हुआ है, शक्ल ऐसी होगी इस्लामाबाद में पहली दफ़ा आने वाली, रोक लिया तो ये जंगल है, ये शक्करपीड़ियों को जा रहा है ऊपर। मैं हमेशा कई दफ़ा इसे अपने नौजवानी के ज़माने में पार कर चुके हैं। करीब तरीन तफरी का यही होती थी शहर से, शहर में नदामने को वगैरह दूर थे। ये भी आप देखेंगे यहाँ पर भी ये पार्क्स हैं। इस्लामाबाद की ब्यूटी यही है कि एक्सट्रीम साइड्स पे पार्क होगा या जंगल होगा। ये कश्मीर हाईवे और इसके ऊपर ये पार्क्स हैं। चाहे तो यहाँ से ले लें या फिर आप बार वो अपना आप पारा की तरफ से, कोई इशू नहीं है। तो हमने हम आप पारा की तरफ या जैसे भी सही है, जैसे भी सही दोनों एक ही लगते हैं मुझे। अब हम आप पारा की तरफ से ताकि छोटी सी आपको इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मार्केट भी दिखा सकें, आप पारा मार्केट। इस्लामाबाद किसी भी तरह जदीद शहर से, किसी भी दुनिया के जदीद शहर से पीछे नहीं, लेकिन अब जो सड़कों को बड़ा करने के लिए दरख्तों को काटने का मिशन चला है इससे माहौलियात पर बड़ा असर पड़ रहा है। 2 महीने हो गए इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई है और हम तरस रहे हैं बारिश के लिए ताकि ये खुश्क सर्दी ख़त्म हो। ये जो हम रातों को निकल नहीं सकते क्योंकि धुंध बहुत होती है, ये ख़त्म हो। ये हम आएंगे लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आप पारा मार्केट मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ पर कभी हमारा मोहल्ला होता था जब हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का पॉइंट यहाँ से जाता भी होगा या कोई चेंज हो गई होगी पोजीशन। ये जो नीले रंग की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ से कायद आज़म का पॉइंट, कायद आज़म उस ज़माने में सीधे निकल जाते थे इस अमेरिकन एम्बेसी के सामने से। अब तो अमेरिकन एम्बेसी के सामने कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और ये हमारी मशहूर ज़माना बहुत पुरानी आप पारा मार्केट है, मोबाइल मार्केट लग बन गई है हम यहाँ पर। और उसके साथ साथ राइट साइड पे मेरे इतवार बाज़ार होता था, अभी भी शायद लगता है इतवार बाज़ार तो यहाँ पर। और उसके पीछे ही यहाँ पर यूथ हॉस्टल है जहाँ पर आप सब्सिडाइज रेट पे आकर रह सकते हैं। ये आप पारा बाज़ार G6 कहलाता है, ये सारा का सारा आप पारा। ये सारा आप पारा बाज़ार आप देख रहे हैं और उसके साथ ही मशहूर
लाल मस्जिद, ये लाल मस्जिद है, आपको पता ही इसकी कहानी क्या बताऊं मैं। यहीं पर आपको लैब ऑफिस भी मिलेगा, नेशनल पुलिस ब्यूरो। दरख्त और साथ ही आप देख रहे होंगे मेलोडी फूड पार्क, उसके बाद इस्लामाबाद होटल। ये आपका आ गया मेलोडी फूड पार्क और ये आपका आ गया बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद होटल। मेलोडी मार्केट भी बहुत पुरानी मार्केट है, यहाँ पे मेलोडी सिनेमा भी होता था, सिनेमा की जगह तो मौजूद है लेकिन सिनेमा नहीं है। डारो स्कूल बहुत अच्छा ब्रांड था यहाँ का। तो फिर ये अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो वजारत मजहबी उमूर आ जाएगा, लेकिन हमें लेफ्ट साइड पे जाना है सी डी ए हॉस्पिटल की तरफ। तो ये स्ट्रीट आ गई हमारे पास, अब ये स्ट्रीट से दोनों तरफ घर हैं, दरख्त हैं, छोटे छोटे कब्जे हो चुके हैं जैसे दूसरे शहरों में होते हैं, पहले नहीं होते थे अब हो जाते हैं। और ये मेरे राइट साइड पे सी डी हॉस्पिटल की बिल्डिंग, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल है, सी डी ए मुलाजमीन के अलावा आप भी इलाज के लिए आ सकते हैं, पेड और अनपेड दोनों चलते हैं। सीडीए मुलाजमीन तो फ्री है, यहाँ से ले लो गले आगे से ले लो। देखिए ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ है, इसे कैपिटल हॉस्पिटल भी कहते हैं। आगे से देने में टर्न आएगा, गलियां